अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी हो गए न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है उसके हवाले से, और भी जो बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं तो सालमी एरिया में कुछ बड़ी अपडेट आ रही है निकल के वहाँ से अजनबियों के हवाले से, उसके हवाले से हम बात करेंगे। तो चलिए फिर बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 1 वीक के अंदर जो 43 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कि चाहे वो नशा करते हुए पकड़े गए या फिर ट्रैफिक का उल्लंघन करते हुए पकड़े गए या फिर किसी भी तरीके से इलीगल जो लोग हैं वो पकड़े गए, जो अलग तरीके से कुवैत में एंटर हुए जिनके पास में किसी भी तरीके का कोई भी वीज़ा नहीं था वो लोग पकड़े गए। तो इस तरीके से 43 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप भी कहीं पर नशा वगैरह करते हैं, कुछ भी करते हैं या इस तरीके का कोई भी उल्लंघन वगैरह करते हैं तो आपको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आपको भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग भी इन चीज़ों को समझ सकें और जान सकें। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के सालमिया एरिया से निकल कर आ रही है। सुबह सुबह में जल्दी में एक बंदा उठ के जो नेपाली था वो अपने काम के लिए निकला और बाहर निकला, जैसे ही तो उसको कुछ लोग मिले और उससे बाहर जो था उसका आईडी वगैरह मांगी। आईडी वगैरह मांगने के बाद में जो भी चीज़ें थी उससे वो मांगी और जैसे ही उसका एटीएम था उसके पास में वो एटीएम भी ले लिया। तो एटीएम से उसके 40 केडी निकाले गए और भी पेमेंट उससे जो 20-30 केडी उसके पास में था वो भी ले लिया गया। तो इस तरीके से अगर कहीं पर भी आप बाहर वगैरह निकलते हैं अकेले दुकेले तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें, चाहे वो कोई से भी एरिया हो, ये सालमी एरिया था। कहीं पर भी आप जाते हैं जहाँ पर भी अमान जगह हो, जहाँ पर लोग आते जाते ना हो, तो ऐसी जगहों पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और किसी भी तरीके से आप परेशानी में मुब्तला ना हो। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, ये बहरीन के हवाले से है। बहरीन के अंदर आपको मालूम होगा अभी पूरे तरीके से जो है फ्लाइट को बंद कर दिया गया है इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे कि जिसमें कि इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये जितनी भी कंट्रियाँ हैं, इस तरीके की बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जिनकी आवाजाही के लिए इनको जो है ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। तो आने वाले वक्त में हो सकता है और भी कुछ इस तरीके की अपडेट आ जाए। जो कि अब बहरीन, अभी तो फिलहाल में फ़्लाइट ओपन चल रही थी लेकिन अब दोबारा से बंद कर दिया गया है। अब कुवैत पता नहीं आने वाले वक्त में कुवैत भी फ़्लाइट को ओपन करे या नहीं करे, लेकिन कुछ अपडेट आएगा वो भी हम आप तक शेयर कर देंगे। दूसरी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी अपडेट आ रही निकल गया, वो आ रही है, लोग बोल रहे हैं कि अभी हम डायरेक्ट फ्लाइट से एंटर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक तो इस तरीके का कोई भी अपडेट नहीं है, लेकिन कुछ अपडेट आता है डायरेक्ट फ्लाइट के हवाले से तो वो भी हम आप तक शेयर करेंगे। तो ये थी आज की कुछ बड़ी अपडेट, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।